पल्लवी युवा हैं, डायनामिक जर्नलिस्ट के रूप में उनकी पहचान है और ये पहचान उन्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। बहुत बहुत बधाई पल्लवी सहनी को उनके इस अवार्ड के लिए। साथ सो आई एम राइट नाउ इन दिल्ली और दिल्ली में एक अवार्ड था जिसके चलते यहाँ पर आए थे एंड द अवार्ड सेरेमनी वॉज ब्यूटिफुल। जब मुझे मालूम चला कि मुझे हार्मनी इंडिया अवार्ड की तरफ से युवा पुरस्कार दिया जा रहा है तो मैं बहुत खुश हुई, और खुश इसलिए भी हुई क्योंकि जिस समय मैंने लिस्ट देखी कि और कौन कौन ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है तो उस लिस्ट में नाम पढ़कर काफ़ी हैरानी हुई और खुशी भी हुई क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की काफ़ी नामतरीन हस्तियां जिन्होंने कल्चर के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, संगीत में, अलग अलग चीज़ों में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, जिन हस्तियों को पद्मश्री मिल चुका है या अन्य कई सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं उनके बीच में मुझे भी जो है ये युवा पुरस्कार दिया गया तो उस बात की काफ़ी खुशी हुई। आप देखिए कि अपने कितना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जो रंगमंच के क्षेत्र में 13 भाषाओं में 130 से अधिक नाटकों का मंचन देश विदेश में सब जगह, और उस सारी यात्रा में कश्मीर और कश्मीरियत उनके दिल में हमेशा रही है और वो चीज़ बड़ी खूबसूरती से हम सबको मुतासर भी करती है, प्रेरित भी करती है, प्रभावित भी करती है। तो बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन आदरणीय श्री एम के रैना साहब का, बधाइयाँ सबकी तरफ से देनी चाहिए, शुभकामनाओं और बधाई के रूप में। श्याम फैसल साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार मंच पर आए फिर से, और डॉक्टर राजेंद्र धर साहब फिर से एक गुजारिश है आपसे, अनिल कपूर साहब, डॉक्टर अनिल कपूर साहब। बहुत बहुत बधाई, पल्लवी युवा हैं, डायनामिक जर्नलिस्ट के रूप में उनकी पहचान है और ये पहचान उन्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी, शिखर तक लेकर जाएगी, और जब वो अपना नाम उनका रोशन होता है तो जाहिर सी बात है कि हम सब का, पूरे समाज का, प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन होता है। और हमारी दुआ भी यही है, हमारी उम्मीद भी यही है, और इसी विश्वास के साथ ये अवार्ड हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं हर हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से। बहुत बहुत बधाई पल्लवी सहनी को उनके इस अवार्ड के लिए, साथ में उन्हें प्रशस्ति पत्र और ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है, और ख़ासतौर पर जो कलम बनाई गई है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी पत्रकार की ताकत होती है कलम, और उसकी कलम से जो समाज का और देश का हित हो सकता है उस राह पर बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आते ही हम सभी नतमस्तक होते हैं उनके योगदान के प्रति, तो बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि वे इस अवार्ड को स्वीकार कर रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर रतनलाल श्याम जी। बेदर्द आ जाए सबको पता था, मगर कंफ्यूजन ये था कि